तो दोस्तों अभी हम लोग हैं वैष्णो देवी के गुफा में। जी हाँ, आपने सही सुना, गया के वैष्णो देवी के गुफा में। आशीर्वाद प्रदान किया गया है कि जो तुम्हें हरा भरा रहोगी। हेलो एवरीवन, मैं उज्जवल, ये शिवम। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम फिर से लेकर आए आपको बहुत ही खास वीडियो में। जी हाँ, खास इसलिए, गया का एक बहुत ही पुराना मंदिर है जो कि मनोकामना दक्षिणेश्वर हनुमान जी का मंदिर है, जिसके बारे में गया के अभी काफ़ी लोगों को नहीं पता है। हमें भी रिसेंट ही पता चला है इसके बारे में। तो इसलिए, और हमारा तो काम ही है ऐसे जगहों को एक्सप्लोर करना, ऐसे ऐसे जगहों को आप तक पहुँचाना, ताकि आप भी आए और यहाँ घूम सके। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, यहाँ आने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा सीताकुंड, और सीताकुंड के ठीक ऊपर ही एक पहाड़ है, एक पर्वत है, नागकूट पर्वत। तो इसी पर्वत पे, इसी पहाड़ के ऊपर में ये मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, जैसे ही आप ऊपर आएंगे, आपको सबसे पहले यहाँ गणेश जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा, जिसकी बनावट बहुत ही सुंदर है। और जैसे ही आप इसके पीछे जाएंगे, तो आपको इसके दीवार पर और भी मूर्तियाँ जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ऊपर आते ही यहाँ पे एक माता का मंदिर बना हुआ है, नौ दुर्गे माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ माता का नौ रूप का मूर्ति जो है वो स्थापित किया गया है। और ये है माँ दुर्गे का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है, और साथ ही साथ आप यहाँ माता के नौ रूप का दर्शन कर सकते हैं। ये गुफा का जो आपको डिजाइन दिख रहा है, बहुत ही अच्छा चीज बनने वाला है। वो क्या होने वाला है, चलिए हम आपको बताते हैं इसके अंदर जाकर। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं वैष्णो देवी के गुफा में। जी हाँ, आपने सही सुना, गया के वैष्णो देवी के गुफा में। एक्चुअली हमें भी पहले से नहीं पता था, हम लोग भी शूट करने आ रहे थे तो हम ये बात नहीं पता था, लेकिन अभी यहाँ के एक पुजारी ये बात पता चला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो अंदर में ये गुफा का डिजाइन बन रहा है, ये पूरे दोनों तरफ से चट्टान है और बाकी ऊपर से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, आसपास से पिलर देकर। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट बनना है, वहाँ जैसा जम्मू कटरा में जैसा भी वैष्णो देवी का जो मंदिर बना हुआ है, सेम उसी तरह का प्रोजेक्ट जो है यहाँ बनने वाला है, उसी तरह का जो एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए एक ट्रस्ट के द्वारा यहाँ एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया है। इससे ये बेनिफिट होने वाला है कि जो लोग वैष्णो माता धाम, वैष्णो देवी मंदिर नहीं जा पाएंगे, वह हमारे गया जी में ही आ करके माता का दर्शन कर पाएंगे और वहाँ का आनंद उठा सकेंगे। और तो और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको हमारे विष्णुपद, यहाँ आप सामने देखेंगे तो सामने में आपको विष्णुपद मंदिर है, वहाँ से यहाँ डायरेक्ट एक कनेक्शन होने वाला है, यानी कि एक रूट या कुछ रास्ता बनाया जाएगा, नदी के ऊपर से, नदी के ऊपर से एक ब्रिज झूला कुछ बनेगा, जिसके थ्रू लोग डायरेक्ट यहाँ आ सकेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन, जिसके लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। जी हाँ, मनोकामना दक्षिणेश्वर हनुमान जी का मंदिर, जो कि इसी नागकूट पर्वत के ऊपर है। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऊपर मंदिर कैसा है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं
नागकुट पर्वत के चोटी पर, नागकुट पर्वत के ऊपर, और यही मंदिर बना हुआ है दक्षिणेश्वर हनुमान जी का, जो कि काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराने। अभी हम लोग नीचे जितना भी मंदिर देखे हैं वो अभी नया नया बन रहा है, नया नया स्थापना हो रहा है, लेकिन ये मंदिर इस पर्वत का सबसे पुराना और सबसे मान्यता वाला मंदिर है। अभी हमने यहाँ पर लड्डू हनुमान जी की पूजा कर ली है, और अब आइए बात करते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं, जो यहाँ के बाबा हैं, जो यहाँ की देखरेख करते हैं, यहाँ हमेशा रहते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की महत्ता क्या है। बाबा आपको नमस्कार। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम मुकेश पांडे उर्फ पहाड़ी बाबा, मैं सीताकुंड का निवासी हूँ, और ये सीताकुंड के बगल में ही अवस्थित नागकुट पर्वत, जिसपे मनोकामना सिद्ध दक्षिणेश्वर हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हैं, और ये 1895 ईस्वी से यहाँ पे निर्मित हैं। इस मंदिर का निर्माण कराया गया है यहाँ पे, और जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनका हर एक कष्ट दूर होता है यहाँ पे, चाहे वो जिस स्थिति में आए, यहाँ पे आने के बाद उनका कल्याण होता है यहाँ पे। और विशेषता यही है कि यहाँ पे जब रामचंद्र भगवान, माता सीता, लक्ष्मण जी और हमारे संकट मोचन इस फल्गु नदी के रास्ते होते हुए जा रहे थे, अपने वनवास से लौट रहे थे, तो उनके पिताजी राजा दशरथ जी का आकाशवाणी मृत्यु हो रही थी। तो आकाशवाणी मृत्यु हो रही थी तो उनके पास सामग्री नहीं होने के कारण रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी नदी उस पार चले गए पिंडदान का सामग्री लाने के लिए। जब पुनः रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी जब पिंडदान का सामग्री लेकर के आए तो पूछे कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो पिताजी बोले, सीता माता बोले कि पिताजी तो वो चले गए, तो क्या प्रूफ है कि जो तुमने पिंडदान किया, जो हमें प्रूफ दो, तो उसी प्रूफ को झूठ बोलने के कारण कि हमें भी कुछ झूठ बोलना पड़े, तो इसलिए संकट मोचन जो है कि ये नागकुट पर्वत पे आकर के विराजमान हो गए, और 5 का आई विटनेस बनाया गया कि जिसमें ब्राह्मण, तुलसी, वटवृक्ष, गौ, फल्गु नदी, ये 5 का आई विटनेस बनाया गया, लेकिन 4 ने झूठ बोल दिया। जो है फल्गु नदी वो सखी सुखी रहती है, लेकिन एक ही ऐसा वट वृक्ष है, आशीर्वाद प्रदान किया गया है कि जो तुम्हें हरा भरा रहोगी। इस नागकुट पर्वत पे जो भी भक्त लोग आते हैं उनका कल्याण होके ही जाता है यहाँ से, और होते रहेगा, यही मेरा शुभकामना है सभी भक्तों के लिए, और एक बार अवश्य इस नागकुट पर्वत पे आए और संकट मोचन से आशीर्वाद लेकर के जाएंगे यहाँ से। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, और आज मंगलवार का दिन था, बहुत ही अच्छा शुभ दिन था हमारे लिए, आज हमने यहाँ पूजा भी कर लिया। और दोस्तों, आप सबसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है हम दोनों की तरफ से कि आप लोग प्लीज़ यहाँ आएँ और विजिट जरूर करें एक बार,
अपने दोस्तों और अपने फैमिली को शेयर भी करें ये वीडियो, ताकि क्योंकि बहुत लोगों को अभी नहीं पता है, हमें भी अभी रिसेंट में ही पता चला यहाँ के बारे में, तो हम लोग यहाँ आए देखने, और हालांकि यहाँ आने के बाद बहुत कुछ जानकारियाँ मिली हैं, यहाँ भी बहुत कुछ होने भी वाला है, और जो हमने ये मनोकामना दक्षिणेश्वर हनुमान जी का दर्शन किया है, जहाँ पूजा किया है, जो कि लगभग 125 साल पुराना है, और तब भी हमारे गया के लोगों को नहीं पता यहाँ के बारे में। लोग सीताकुंड आते हैं, सीताकुंड जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, सीताकुंड बन चुका है अच्छे तरीके से, सीताकुंड काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन ठीक सीताकुंड के ऊपर ही यहाँ ये जो मनोकामना हनुमान जी की मंदिर है, यहाँ के बारे में जो कि लोगों को नहीं पता, इसीलिए लोग नहीं आते। तो हमारा भी हमेशा यही मोटिव रहता है, हमारा हमेशा यही कोशिश रहता है कि ऐसे ऐसे जगहों को हम लोग एक्सप्लोर करते रहें, ताकि आप तक वो पहुँचते रहे और आप यहाँ भी आ सके। बाकी दोस्तों आप लोग बताना कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।